जब भी हम हर्षद मेहता का नाम सुनते हैं तो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है स्कैम। तो चलिए देखते हैं कि हर्षद मेहता स्कैम आखिर क्या था और कैसे हर्षद ने इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम किया। हर्षद ने अपनी बीकॉम की शिक्षा मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज से पूरी की और अगले कुछ सालों तक अलग अलग कंपनीज में जॉब की। इसी दौरान हर्षद को स्टॉक मार्केट में रुचि आने लगी और फिर हर्षद ने अपनी जॉब छोड़कर बी अम्बालाल ब्रोकर को ज्वाइन किया। बाद में वो स्टॉक ब्रोकर जेएल शाह और नंदलाल सेठ का स्टॉक ब्रोकर बना। 1984 में हर्षद ने अपने भाई के साथ मिलकर ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की और बीएससी का ब्रोकर बनके अपना ब्रोकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। हर्षद मेहता ने अपने इस स्कैम में आरएफ यानी रेडी फॉरवर्ड डील का उपयोग किया था। बेसिकली गवर्नमेंट अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के खर्चे उठाने के लिए यानी एक्सपेंसेस कवर करने के लिए सिक्योरिटीज इशू करती है, जिन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए पैसा उठाती है और उन पैसों के बदले में गवर्नमेंट सारे इन्वेस्टर्स को कुछ इंटरेस्ट यानी ब्याज देती है और सारी बैंक्स को इन सिक्योरिटीज़ में कुछ सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करना बंधनकारक था। जब किसी बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तब वो बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दूसरे बैंक को बेच देती थी और उनसे शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती थी और कुछ दिनों बाद तय किए हुए इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करके अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वापस ले लेती थी। सिंपल भाषा में बात करूँ तो बिल्कुल उसी तरह जैसे जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है तब आप जोहरी के पास जाकर अपनी ज्वेलरी यानी सोने चांदी के गहने या जेवरात गिरवी रख के उसके बदले में पैसे उधार लेते हो और फिर कुछ दिनों बाद तय किए हुए इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ पैसे वापस करके जोहरी से अपनी ज्वेलरी यानी जेवरात वापस ले लेते हो। बिल्कुल इसी तरह रेडी फॉरवर्ड डील में एक बैंक दूसरे बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले शॉर्ट टर्म लोन देती थी। इन शॉर्ट आरएफ डील यानी रेडी फॉरवर्ड डील बैंक्स के लिए एक शॉर्ट टर्म लोन इंस्ट्रूमेंट था जिसका उपयोग बैंक्स शॉर्ट टर्म लोन के लिए करती थी। रेडी फॉरवर्ड डील में ब्रोकर्स बैंक्स के बीच मीडिएटर यानी दलाल का काम करते थे, जिनका काम था जिन बैंक्स को सिक्योरिटीज़ बेचनी है उनके लिए बायर्स ढूंढना और जिन बैंक्स को सिक्योरिटीज़ खरीदनी है उनके लिए सेलर ढूंढना। हर्षद मेहता भी एक ब्रोकर था और वो भी बैंक्स के बीच मीडिएटर का काम करता था। आरएफ डील में कुछ लूपहोल्स थे जिनके थ्रू इलीगल यानी अवैध तरीकों से पैसा बनाया जा सकता था और उनके बारे में हर्षद को अच्छे से पता था और फिर हर्षद ने उन्हीं लूपहोल्स का उपयोग अपने जाती फायदे के लिए किया। वो कैसे, तो चलो देखते हैं। मान लीजिए चार बैंक्स हैं, ए बी सी और डी। जब बैंक ए अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचना चाहती थी तब हर्षद मेहता उस बैंक के लिए ब्रोकर का काम करता था, यानी बैंक ए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए बायर ढूंढने का काम करता था। हर्षद बैंक ए से सिक्योरिटीज़ लेता था और उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बायर ढूंढने के लिए कुछ दिनों का वक्त मांग लेता था और तभी बैंक बी, जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने हैं, उसके पास जाकर उनसे सिक्योरिटीज़ के पैसे लेता था और सेलर ढूंढने के लिए और सिक्योरिटीज़ लाकर देने के लिए बैंक बी से भी कुछ दिनों का वक्त मांग लेता था। इस तरह हर्षद बैंक ए से ली हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बैंक बी से ली हुई कैश दोनों भी कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लेता था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी बैंक सीधे ब्रोकर के नाम पर अपना चेक इशू नहीं कर सकती थी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने वाली बैंक को अपना चेक सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचने वाली बैंक के नाम इशू करना था, ना कि ब्रोकर के नाम। लेकिन इस केस में चेक सेलर बैंक को इशू करने के बजाय सीधा हर्षद मेहता, जो कि ब्रोकर था, उसके नाम इशू किया जाता था। बहुत सारे बैंक को पता ही नहीं होता था कि वो किस बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, क्योंकि बैंक सीधा हर्षद के साथ डील करती थी और इसीलिए हर्षद सिक्योरिटीज़ खरीदने वाली बैंक को अपने नाम पर चेक इशू करने के लिए कहता था। हर्षद सालों से बैंक्स के बीच ब्रोकर का काम बड़ी अच्छी तरह से कर रहा था और उन दिनों हर्षद का मार्केट में अच्छा नाम भी था। लेकिन हर्षद ने इसी भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया। उसने बैंक से मिला हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में शेयर्स की प्राइसेस बढ़ाने के लिए यानी स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए किया। कुछ दिनों का वेट करने के बाद बैंक ए जब हर्षद से अपनी बेची हुई सिक्योरिटीज़ का पैसा मांगती थी तब हर्षद कोई और बैंक ढूंढ लेता था जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदनी है। मान लीजिए बैंक सी को भी सिक्योरिटीज़ खरीदनी है तो हर्षद बैंक सी के पास जाकर उनसे पैसे लेता था और उनसे सिक्योरिटीज़ लाकर देने के लिए कुछ दिनों का समय मांग लेता था और बैंक ए के पास जाकर उन्हें उनका पैसा दे देता था और फिर बैंक बी और सी की डील्स पूरी करने के लिए हर्षद और बैंक्स के साथ इसी तरह की डील्स करता था। और जब वो बैंक्स भी अपना पैसा या सिक्योरिटीज़ मांगती थी तो हर्षद और किसी बैंक्स के साथ डील करता था। इस तरह हर्षद बहुत सारी बैंक्स के लिए ब्रोकर का काम करता था और इसी तरह की डील्स करता था
कि हमेशा उसके हाथ अच्छा खासा पैसा बचा रहे। इस तरह हर्षद ने आरएफ डील का उपयोग चेन सिस्टम की तरह किया, जिससे हमेशा हर्षद के हाथ अच्छा खासा पैसा रहता था। आपने देखा होगा हमारे आसपास से कुछ लोग भी कुछ इसी तरह का काम करते हैं। वे पहले किसी एक आदमी से पैसे उधार लेते हैं और कुछ टाइम बाद जब वो आदमी अपने पैसे मांगने लगता है तब ये लोग किसी दूसरे आदमी से पैसे उधार लेकर उस पहले आदमी को दे देते हैं, और जब कुछ दिनों बाद ये दूसरा आदमी भी पैसे मांगने लगता है तब ये लोग और कई लोगों से पैसे उधार लेते हैं और उस दूसरे आदमी को दे देते हैं, और ये चेन सिस्टम चलता रहता है। इसी तरह का चेन सिस्टम हर्षद मेहता ने अपने स्कैम में यूज़ किया, जिससे हमेशा हर्षद के हाथ अच्छा खासा पैसा रहता था, जिसे वो स्टॉक मार्केट में शेयर्स की प्राइसेस मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करता था। सो, अभी हमने देखा कि कैसे रेडी फॉरवर्ड डील में एक बैंक दूसरी बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचती थी, लेकिन जब कोई बैंक दूसरी बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचती थी तब वो बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने वाली बैंक को एक्चुअल में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं देती थी, बल्कि एक रिसिप्ट देती थी जिसे बैंक रिसिप्ट यानी BR कहते थे, और उस बैंक रिसिप्ट से ये कन्फर्म होता था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सेल हो गई है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचने वाली बैंक को उसके पैसे मिल गए हैं। जब हर्षद को स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए और शेयर की प्राइसेस बढ़ाने के लिए और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी तब हर्षद ने अपना ये स्कैम एक स्टेप और आगे बढ़ाया। इस बार तो हर्षद ने सारी हदें पार करते हुए कुछ बैंक्स की मदद से फेक यानी नकली बैंक रिसिप्ट्स बनवाई और उन्हें इस्तेमाल करना शुरू किया। जिन बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदनी होती थी उन बैंक्स को हर्षद फेक बैंक रिसिप्ट देता था, और बैंक्स ये समझकर हर्षद को पैसा देती थी कि बैंक रिसिप्ट ओरिजिनल है और उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मिल गई है, जबकि ऐसा नहीं था। और फिर हर्षद ने उन पैसों का उपयोग स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए किया। उन पैसों की मदद से हर्षद ने कई स्टॉक्स बहुत हाई लेवल पर पहुंचा दिए। हर्षद ने ACC का स्टॉक तो कुछ ही महीनों के अंदर 200 रुपये से सीधा 9000 तक पहुंचा दिया था। बैंक से मिला हुआ पैसा हर्षद हेविली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता गया, जिससे शेयर्स की प्राइसेस बढ़ने लगी और स्टॉक मार्केट में एक तेज़ी आ गई। तेज़ी का माहौल देखकर लोग भी स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने लगे, जिससे तेज़ी का माहौल और बढ़ गया और शेयर्स की प्राइसेस लगातार बढ़ने लगी। स्टॉक मार्केट जब पीक पर आता था यानी जब अच्छा खासा बढ़ जाता था तब हर्षद अपने शेयर्स बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता था, और बैंक्स को उनके पैसे रिटर्न करके बैंक से अपनी फेक बैंक रिसिप्ट वापस ले लेता था, और ये सिलसिला लगातार चल रहा था। ये सिलसिला तब तक अच्छे से चला जब तक शेयर्स के भाव लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन जब स्टॉक मार्केट में बियर रन आया यानी मंदी का दौर आया तब शेयर्स के भाव लगातार गिरने लगे, तब हर्षद को अच्छा खासा नुकसान हुआ जिससे वो बैंक्स को उनका पैसा रिटर्न नहीं कर पाया। तभी 23 अप्रैल 1992 को जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में हर्षद के कारनामों का पर्दाफाश किया और हर्षद मेहता स्कैम एक्सपोज किया, और फिर बैंक्स को पता चला कि हर्षद ने दी हुई बैंक रिसिप्ट्स तो झूठी है जिनकी कुछ वैल्यू ही नहीं है, और उसके बदले में हर्षद ने उनसे करोड़ों रुपए लिए थे। बैंकिंग सिस्टम को करीब 3 से 4 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ था, जो कि उस टाइम बहुत बड़ी कीमत थी। जब यह स्कैम एक्सपोज हुआ था तब स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ था, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ था। विजय बैंक के चेयरमैन जिन्होंने हर्षद के नाम चेक इशू किए थे उन्होंने ये स्कैम एक्सपोज होते ही सुसाइड कर लिया था, और फिर बैंक्स हर्षद से अपना पैसा मांगने लगी। लेकिन बियर रन के कारण और मार्केट क्रैश होने के कारण हर्षद को बहुत सारा लॉस हुआ था, जिसकी वजह से हर्षद बैंक्स को पैसा रिटर्न नहीं कर पाया। ये स्कैम एक्सपोज होने से पहले किसी को भी हर्षद के इस स्कैम की और टेक्निक की भनक तक नहीं थी। CBI ने 9 नवंबर 1992 को हर्षद मेहता को अरेस्ट किया था। हर्षद मेहता पर 600 सिविल एक्शन सूट्स और 70 क्रिमिनल केसेस के चार्जेस थे। सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर SEBI ने हर्षद मेहता को हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से बैन कर दिया था। हर्षद मेहता को थाने जेल में रखा गया था। अचानक एक रात हर्षद को छाती में दर्द होने लगा, फिर उसे थाने सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 31 दिसंबर 2001 की रात सारी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, वही हर्षद हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहा था। आखिरकार रात 12:30 बजे के करीब हर्षद ने आखिरी सांस ली। जब हर्षद की मृत्यु हुई तब भी 27 केसेस उसके खिलाफ पेंडिंग थी। हर्षद की लाइफस्टाइल एक बॉलीवुड स्टार की तरह थी। कई मैगजीन्स से उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहती थी। हर्षद के पास मुंबई में एक सी फेसिंग बंगला था जिसमें एक मिनी गोल्फ कोर्स और स्विमिंग पूल भी था। हर्षद के पास लेक्सस और स्टारलेट जैसी लग्जरी कार्स थी जो उन दिनों अमीरों के लिए भी इजीली अफोर्डेबल नहीं थी। 26 करोड़ का एडवांस इनकम टैक्स भर के हर्षद मेहता उस टाइम इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर था।
हर्षद मेहता को लोग बिग बुल के नाम से भी जानते थे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि 1991 की बुल रन की शुरुआत उसी ने की थी। केतन पारेख हर्षद मेहता के फॉर्म में ट्रेनी के तौर पर ज्वाइन हुआ था। आगे चलकर उसने भी कुछ स्कैम्स किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम केतन पारेख स्कैम के बारे में जान लेंगे। अगर आपके जहन में इस स्कैम के रिलेटेड या स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी सवाल है तो फील फ्री टू आस्क अस। आप हमारे 09049641491 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपने सवाल पूछ सकते हो। स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finovations.com विजिट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।